हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, मैं बारिश का मौसम हूँ, ये सॉन्ग टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस साउंड पे इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। यदि आप बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि ये साउंड फिलहाल में ही ट्रेंडिंग में आया है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको दो वीडियो शूट करना है कुछ इस तरह से। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद वीडियो जब आपका शूट हो जाएगा तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो दो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और वीडियो में यदि कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को लेफ्ट साइड का है तो ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का है तो ट्रिम टू राइट करेंगे। इस तरह से सबसे पहले वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो आपको स्लो मो में हो चुका है, फिर से आपको इसे बैक करना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे 10 से 12 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, तो सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे कर देना है वीडियो। ये जो वीडियो है आपका ग्रीन स्क्रीन में, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कलर की पे आना है और आपको यहाँ पे ग्रीन कलर चूज़ कर लेना है। मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया और एडजस्ट करने के बाद डन करना है। इसके बाद आपको प्ले करना है वीडियो को और जहाँ से आपका ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ओरिजिनल साउंड पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले इस वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो कलर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और जहाँ तक आपका ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक आपको रहने देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में आना है और कुछ इस तरह से जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आना है, इसके फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आगे की तरफ ले कर आना है और जहाँ तक ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक आपको पार्ट रहने देना है। इसके बाद इस वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट करना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। जब फाइनली जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आईडो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।